ये है सवितर्क न्यूज सच की आवाज। बिलासपुर से नीलेश मसीह की खास खबर। स्वर्ण आयोग की मांग। स्वर्ण आयोग की मांग, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्वर्णों की उपेक्षा कर विभिन्न जाति और समुदायों को दिए जा रहे आरक्षण से क्षुब्ध होकर स्वर्ण आयोग बनाने की मांग आज की गई। आजाद मंच की जिला इकाई ने आज जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को एक ज्ञापन भी दिया। स्वर्णों के लिए समान अवसर, शिक्षा और रोजगार के लिए उचित वातावरण बन सके, ऐसा श्रीमती चित्रा तिवारी ने कहा। ये है सवितर्क न्यूज सच की आवाज। सबको नमस्कार, मैं चित्रा तिवारी। आज हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे सवर्ण आयोग के गठन के लिए। सवर्ण आयोग का गठन का की जरूरत हमको आज इसलिए पड़ रही है क्योंकि आरक्षण इस कदर बढ़ाते जा रहे हैं गवर्नमेंट और केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी सर पानी सर से ऊपर हो चुका है। तो इसकी लड़ाई के लिए आज हमको ग्राउंड पे उतरना पड़ रहा है और सभी सवर्णों को एक मंच के में इकट्ठा करके और हम सबको बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, परंतु शांति से जहां तक संभव हो सके बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे हक की लड़ाई हमको अपना हक मिले। आयोग की आवश्यकता क्यों है? आयोग की आवश्यकता भाई, एक गठन एक मंच पे आना है, सबको मुट्ठी बंधाएंगे तभी ना ताकत बढ़ेगी। अभी बिखरे हुए हैं तो यही इसीलिए लगता है कि आयोग का गठन किया जाता है। माना ये जाता है कि स्वर्ण शोषित और वंचित नहीं है। आप अगर स्वर्ण आयोग बन जाता है तो जिनके लिए अन्य आयोग बने हैं वो तो फिर आश्रय में आ जाएंगे। नहीं, स्वर्ण आयोग बनना इसीलिए जरूरी है। देखिए आज ओबीसी वगैरह का सबका गठन हुआ है, देखिए इस कदर बढ़ चुका है और हम लोग अलग अलग दिखने हुए हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से इतना ज्यादा बढ़ चुका है। आज हमने अपना इकट्ठा करके और अपनी हक की लड़ाई के लिए सरकार ने 10% सवर्णों के लिए भी आरक्षण तय किया जो कमजोर आय वर्ग के हैं, और इससे कितना ज्यादा चाहिए? 10% कोई कमजोर वर्ग, उसके इतने सारे नियम हैं और इतने सारे रूल एंड रेगुलेशन है कि उसके अंतर्गत कोई नहीं आता। तो इसीलिए सरकार हमको लॉलीपॉप दिखा रही है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अपना गठन करेंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार तक उनके कानून तक बात पहुंचाने की प्रयास करेंगे।